सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्नों का योग। मैंने दोनों टाइप के एग्जांपल लिए हैं, एक के अंदर आपके जो हर है वो समान है और दूसरे के अंदर हर है वो अलग अलग है, ठीक है। अब इस टाइप की जो भिन्न है उसको कैसे जोड़ना है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्या तरीका रहेगा, आपके जो नीचे हर है वो समान है उसको एज इट इज लिख लो, 9 खींच के ऐसा का ऐसा, ठीक है। यानी 7 आपके नीचे आ जाएगा हर के नीचे। अब आपको क्या करना, ऊपर वाला एज इट इज लिखना। देखिए जैसे यहाँ प्लस है, भिन्नों का योग करें तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे जो 3 है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब इसको 5 और 3 को जोड़ सकते हैं, कितना आ गया, 5 और 3 आ गया 8 और नीचे आ गया हमारा 7, यानी आंसर आ गया 8/7। बहुत ही सरल तरीका है, जब आपके हर है वो समान है तब। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखिए 5 2/5 है प्लस 3/10 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और 10 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। वो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए साइड में मैं निकाल के बताता हूँ आपको, 5 और 10 का एलसीएम निकालिए। चलिए एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको चरण से कई बार बताया हुआ है। 5 और 10 में से किसी भी एक संख्या में अगर 2 का भाग जाता है तो देना है आपको, 2 का भाग दे दो। कितनी बार गया देखो, 5 में जाता नहीं, 5 ऐसा का ऐसा, 10 में कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, ठीक है। 5 में 5 का ही भाग जाएगा तो एक बार, और यहाँ पर भी एक बार। अब इनका गुणा करेंगे, 2 और 5 का 2 × 5 कितना आ गया हमारे 10, यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया 10। नीचे जितने भी, जैसे यहाँ पे मैंने 2 भिन्न लिए, देखिए 2/5 इसके अंदर जोड़ना है आपको 3/10 को, वहां पर एक संख्या और होती 7/8, तो इसके अंदर 8 को भी हम एलसीएम निकालते 7 में, और सभी का एलसीएम है वो नीचे मैं लिखता, तो यहाँ एलसीएम आ गया हमारा कितना 10, मैं लिखूंगा 10, ठीक। अब देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो नीचे यानी 2/5 है इसको सॉल्व करेंगे, फिर करेंगे हम 3/10 को, तो यहाँ पे 5 का भाग देना है इस एलसीएम के अंदर यानी 10 के अंदर, ठीक। तो 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 × 5 5 × 2 = 10, 2 बार गया यानी यहाँ आ जाएगा 2, ठीक। अब 2 का गुणा इस ऊपर वाले 2 से करना है, यहाँ आ गया 2, फिर प्लस ऐसा का ऐसा, 10 में 10 का भाग चला जाएगा, देखिए 10 का 10 के अंदर भाग जाएगा एक बार तो ऊपर आएगा 1, फिर गुणा करेंगे हम किससे, 3 से, यानी ऊपर वाली जो भी संख्या है अंश के अंदर उसका गुणा करना है। अब देखो 2 का गुणा 2 से किया कितना आ गया 4, फिर प्लस 1 का गुणा 3 से करो कितने आ गए 3, नीचे हमारे कितने हैं 10, 4 और 3 मिलके कितने हो गए 7, तो यहाँ आ जाएगा हमारा देखिए 7/ नीचे आ जाएंगे 10, यानी उत्तर आ गया हमारा 7/10। तो इस ढंग से भिन्नों का योग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको उसका योग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना है। चलिए 7/9 में जोड़ना है आपको 2/9 को, चलिए इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है। थैंक यू।